हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो आप कैसे हमारे इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने पीएफ में पैन कार्ड की केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में 50,000 से ज्यादा अमाउंट हो गया है तो आपको पैन कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी हो गया है दोस्तों। और आप अपने पीएफ अकाउंट में अपने खुद से ही अपने मोबाइल फोन से अपना पैन कार्ड जो है लिंक कर सकते हैं, ये उसका केवाईसी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और अपने मोबाइल फोन से पीएफ में पैन कार्ड कैसे लगाते हैं पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। चलिए बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। चलिए हम गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर दोस्तों सर्च बॉक्स में लिखेंगे EPF। तो सिंपल ऐसे लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद सबसे पहली जो वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर आएगी, इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जूम करेंगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र। तो सिंपल चलिए हम यहाँ पर करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपका मेंबर सेवा पोर्टल जो EPF का होता है मेंबर का, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अब यहाँ पर अपना UN नंबर एंड यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को इस प्रकार से यहाँ से फिल कर देंगे और यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना भरने के बाद दोस्तों अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार आने वाला। चलिए हम पहले यहाँ पर इस डिटेल को भर लेते हैं। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर पासवर्ड नहीं है, UN नंबर है, तो पासवर्ड कैसे बनाते हैं आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे वीडियो का। आप उस वीडियो को देख करके आप अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं या फिर फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए हम पहले ये डिटेल को भर करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा हुआ है उसको यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम OTP देख लेते हैं। यहाँ पर OTP और कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। अब ऐसा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर OTP इनवैलिड हो गया है। चलिए यहाँ पर दोबारा से सही OTP भरने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मेंबर सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी तो हम यहाँ पर PF में पैन कार्ड जोड़ने वाले हैं, तो चलिए अब हम यहाँ पर करेंगे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है मैनेज का, यहाँ पर करेंगे क्लिक। मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक यहाँ पर आएगा ऑप्शन तीसरे नंबर पर KYC कर। चलिए मैं यहाँ पर KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अब आपके सामने एक तीन ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर तीन प्रकार से डॉक्यूमेंट की KYC की जाती है, बैंक KYC, पैन KYC एंड पासपोर्ट KYC। तो हम यहाँ पर पैन KYC वाले पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं पैन वाले पर क्लिक करता हूँ। ऐसा करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके सामने आपका जो 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर होगा यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन आ गया है। अब आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो एक पॉपअप मैसेज है यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर टिक बॉक्स लगा देंगे। यहाँ पर टिक बॉक्स लगाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा सेव एंड कैंसिल का। तो चलिए हम यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर दोस्तों जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। इस वाले सेक्शन पर OTP फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर OTP अपना निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना OTP फिल कर लिया हूँ। अब सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर KYC डिटेल सेव एंड विल सीडेड ओनली आफ्टर डिजिटल अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पर दोस्तों आपकी KYC यहाँ पर सीडिंग हो चुकी है एंड इसका स्टेटस यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका स्टेटस यहाँ पर दिखाया है, आपका आज का समय दिखाएगा एंड स्टेटस में यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन। अब दोस्तों ये आपका जो नियोक्ता होता है, जो आपका ठेकेदार या एम्प्लॉयर जो कहते हैं, वहाँ पर दोस्तों आपकी KYC पहुँच गई है। अब दोस्तों ये क्या करेगा, आपका एम्प्लॉयर जो है
यहाँ पर अपने डिजिटल साइन जो उसका होता है उस डिजिटल साइन को अपने सिस्टम में लगा करके आपकी इस केवाईसी को अप्रूव करेगी, अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। दोस्तों यहाँ पर उसको दो ऑप्शन दिए रहते हैं, अप्रूव एंड रिजेक्ट का। अगर आपसे उस बराबर उसका संपर्क सही है, सही बना हुआ है, कोई वाद विवाद नहीं है, तो आपका एम्प्लॉयर 1 से 2 दिन के अंदर में आपकी केवाईसी जो पैन कार्ड की किए हुए हैं उसको जो वो अप्रूव कर देगा। और आपका फिर जब यहाँ पर केवाईसी अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ पर करंट टाइम की जो केवाईसी शो हो रही है यहाँ पर, जैसे बैंक की एंड यहाँ आधार की शो हो रही है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड की भी केवाईसी देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना पीएफ में पैन कार्ड की केवाईसी कर सकते हैं, पैन कार्ड को इजीली जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ज़रूर मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।